हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल की एक और नई वीडियो में। और आज दिन है 1 अप्रैल 2024 और हम लोग निकले हुए हैं एक और ट्रिप पर कैची धाम की तरफ। तो अभी तक जो रूट हमने फॉलो किया था वो था जो NH-19 है, यानी कि पुराना NH-2, वहाँ से पलवल तक हमने सफर किया। उसके बाद हमने पलवल कट से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे लिया और अभी हम चढ़ चुके हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा ये एक्सप्रेसवे बना हुआ है और इस टाइम पर यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं दिख रही है। तो चलिए जर्नी कंटिन्यू करते हैं और सीधा बढ़ते हैं नैनीताल की तरफ। आ गए हैं मुरादाबाद कट और हम लोग यहाँ से उतर रहे हैं नीचे पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से और अब हम ज्वाइन करेंगे गाजियाबाद हापुड़ मुरादाबाद वाली रोड पर। तो चलिए। अब ये टोल क्रॉस करके हम लोग बढ़ गए हैं सीधा हापुड़ की तरफ और अब ये सीधा ही रोड है जो हापुड़ होते हुए मुरादाबाद जाता है। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। और जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने शिवा ढाबा पर, तो ये शिवा ढाबा है हापुड़ में और इधर आप देख सकते हैं दिल्ली 48 दिखा रहा है, ग्रेटर नोएडा 55, सोना 102। तो ये खड़ी अपनी किया से निकले हुए हैं हम लोग इस ट्रिप के लिए और जा रहे हैं नैनीताल फिर से कैची धाम के दर्शन करने बाबा नीम करोरी। एंड अभी पहुँच चुके हैं यहाँ तक, मथुरा से स्टार्ट किया था ट्रिप और हाफ वे पॉइंट समझ लीजिए इसको। रात को 10 बजे का अराइवल टाइम दिखा रहा है, अभी बज रहे हैं 5:15। तो ब्रेक लेके अभी कुछ खाया पिया है, अब कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी और आप बने रहिए जर्नी में हमारे साथ, फिर से दर्शन करवाते हैं आपको बाबा नीम करोरी कैची धाम के। तो दोस्तों, बज रहे हैं रात के 8:15 और हम लोग रुके हुए हैं डिनर ब्रेक के लिए। यहाँ से अराउंड 100 किलोमीटर और रह गया नैनीताल। अपन जिस जगह रुके हैं उसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। ये हाईवे है, ये मोगा दाना पानी, बढ़िया सा पूरा, अपनी गाड़ी खड़ी है, हवा चल रही है, मस्त झंडे लहरा रहे हैं एंड थोड़ा अच्छा सा एंट्रेंस है यहाँ का, सुंदर सा। एक छोटा सा ट्रैक्टर खड़ा हुआ है इधर, सुंदर सा। तो अभी रात में ही अपन लोग चढ़ने वाले हैं पहाड़ों पे, 8:15 अराउंड 9:15 यहाँ से हम निकलेंगे और फिर चढ़ाई शुरू करेंगे। 11:30 तक पहुँचेंगे कैची धाम, वहीं पे हमारा होटल बुक्ड है। तो मिलते हैं आपसे अब सीधा कैची धाम जाके। तो दोस्तों, फाइनली पहाड़ों पे हमने चढ़ाई स्टार्ट कर दी है और एक पॉइंट पे आके रुके हैं जहाँ से पूरा हल्द्वानी शहर दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर नीचे की लाइटिंग दिखाई दे रही है, कैमरे पे उतना साफ नहीं है पर आंखों से और लाजवाब दिख रहा है। देख सकते हैं रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है और ट्रैफिक थोड़ा बहुत ही चल रहा है इस रोड पर, बट काफ़ी यहाँ से थोड़ा टेम्परेचर गिरने लगा है, थोड़ा ठंडक का फील आ गया है। तो अच्छा फील आ रहा है और चलते हैं फिर से आगे पहाड़ों पर। फिर से नीचे सिटी दिखाई दे रही होगी दोस्तों आपको, हल्की हल्की एक झलक आई थी अभी एंड बहुत अच्छा नज़ारा आ रहा है यार सच्ची। ये देखिए, क्या ठीक है, पानी हो, इसी पानी के बीचों बीच थे मम्मी हम, दवाई बोट में था छेद नहीं, ये नहीं था वो नैनीताल का, हाँ वो नैनीताल का ऊपर का था। तो इसी से डर लग रहा था ऊपर वाले का, तो देखो क्या हाल है। तो दोस्तों, फाइनली भीमताल पहुंच चुके हैं और हमारे राइट पर जो ये पूरा लेक है यही है भीमताल का लेक। बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, रात को रिफ्लेक्शन पड़ रहा है लाइट्स का और काफी अच्छी वेव्स दिखाई दे रही है, तो एक अच्छा ये नजारा है, साथ में ठंडी हवाएं, मजा आ रहा है। क्या बात है, मंजिलों की ना है कोई।
दोस्तों बढ़ चले हैं भीमताल से भवाली की तरफ, और जो होटल है वो भवाली से थोड़ा आगे की तरफ ही देखा था। चलते हैं उधर की तरफ। दोस्तों रात के बज रहे 10:30, सुनसान सड़कें हैं पूरी, और जो ठंडक वाला फील है ना, बड़ा मजा एडवेंचरस वाला फील दे रहा है। पूरी पूरी रोड्स पर हम ही लोग चल रहे हैं, बहुत देर में कोई एक गाड़ी आ रही है और ऐसा लग रहा है अपनी रोड में बस चले जाओ मौज में। इतना अच्छा ये फील आ रहा है ना सच में यार, रातों को पहाड़ों पे चलने का फील ही अलग है सच में। अब दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं है, बहुत देर में ये गाड़ी आई है एंड फिर से इसके पीछे कुछ नहीं होगा, ये ट्रक बस देखो इसके पीछे कुछ ही नहीं है भाई, अपनी रोड्स हैं, चले जाओ मौज में फन में बस। भाई साहब देख लो मम्मी अब तो 12 बज गए, एकदम कोई भी नहीं दिख रहा, जो आधे रास्ते जा रहे थे वो भी चले गए। ब्लैक आउट ये तो रात के 12 बज रहे, सीधा भी नहीं भाग रहे आधी रात का ड्रिंक नहीं दे रहे तुम्हारे रहते हैं दिख भी नहीं सकते दीदी नीचे देखो मंदिर दिख रहा है ये, हाँ रेड ऑरेंज और रेड येलो। जय मेरे हनुमान बाबा की, जय नीम करौली बाबा की, जय मेरे बाबा। हाँ जी बिल्कुल सही पकड़े हैं, कितनी शांति है। अभी सूर्य कचरिया से बिकेंगे कच्चे कच्चे।